मंगलवार की बीती रात 11 बजे शुरू हुई बेमौसम जोरदार बारिश और तूफान के कारण हिंगनघाट तहसील में शहरी व ग्रामीण भाग में बड़ा नुकसान हुआ है। हिंगनघाट शहर में तेज तूफान के साथ तेज हवा और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ बारिश को शुरुआत हुई। उस समय बिजली आपूर्ति भी खंडित हो चुकी थी। शहर के अनेक जगह के बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए और बिजली के खंभे भी टेढ़े हो गए। स्थानीय रामनगर वार्ड के प्रशांत जीकार इनके घर का छप्पर सीलिंग फैन के समेत उड़ गया। उस समय जिसकार परिवार गहरी नींद में था, तब यह सब वाकिया हुआ। प्रशांत जीकार इनके परिवार के दो छोटी लड़कियां, उनकी पत्नी, उनके माता पिता नींद में रहते हुए हादसा हुआ। खुशकिस्मती ऐसी कि जीवित हानि नहीं हुई, परंतु मजूरी कर परिवार का उधर निर्वाह करने वाले गरीब परिवार का बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। इस तेज तूफान बारिश के कारण घर में रखा हुआ सामान भी धराशायी हुआ। उनका करीबन 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। उन्होंने शासन की ओर मदद मांगी। हिंगनघाट शहर की सीमा लगत परिसर में पिंपरगांव परिसर में नए लेआउट के काम लिए मजदूरों की टोली आई है। मंगलवार रात की तूफान और पानी के कारण उनका भी संसार बर्बाद हुआ। उनकी झोपड़ियां उड़ने के कारण बर्तन और कपड़े भी उड़ गए। शहर के न्यायालय के सामने समाधान होटल पे पुराना झाड़ गिरने के साथ गांव में अन्य जगह भी बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए। प्रशांत जी का राणा हिंगनघाट सुभाषकर हॉस्पिटल समोर माझ्या खाण्यापिण्यापासून पूर्ण नुकसान झालेलं आहे आणि घराची छत उडलेली आहे, टिना वगैरे आणि पायप वायप वाकली उकली आहे आणि माझे भरपूर नुकसान झालेले आहे। कमीत कमी 1.5 लाखाचं नुकसान झालेलं आहे। वादळी पावसामुळं आमचं 1.5 लाखाचं नुकसान झालं आहे। आमच्या घरी कमाई करण्यावाला एकच मुलगा आहे, आमच्या छोट्या छोट्या नाती आहे, आम्हाला काही मदत पाहिजे। हिंगनघाट से इन BCN न्यूज के लिए रवी एनोरकर की रिपोर्ट।